दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी महाशिव पुराण कथा। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भवन का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया लोकार्पण। मंदिर परिसर में बने नौ देव मंदिरों के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा का हुआ भव्य शुभारंभ। पुलिस अधीक्षक नगर ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी का सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। डिप्टी डीओ ने दी जानकारी, कहा दो चरणों में होगी निगम के 80 वार्डों के मतों की गणना। प्राथमिक एवं कंपोजिट परिषदीय स्कूलों में निपुण मेले का किया गया आयोजन। गलहा थाने की पुलिस ने धन परिवर्तन कराने के आरोप में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा दो लेयर में सीसीटीवी कैमरे व भारी पुलिस बल के साथ की जा रही सुरक्षा। और गोरखपुर पहुंचे महाकाल मंदिर उज्जैन के वरिष्ठ पुजारी रमन त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की कही बात। श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में नव निर्मित मंदिरों के देवी विग्रहों की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में सोमवार से प्रारंभ हुई शिव महापुराण कथा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर शिव महापुराण कथा का रसपान किया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित आदि मौजूद रहे। और यह भगवान शिव की कृपा से पूरा हुआ। कहते हैं शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है परम कल्याण। शिव के बिना कहीं भी कल्याण और मंगल नहीं है। जहाँ बाबा गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है, पंच महाराज जी की कृपा है, वही आनंद, वही मंगल, वही सब कुछ है। बोलिए शिव महापुराण बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य पर्वत। सज्जनों, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में निर्मित मंदिरों में देव विग्रहों की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर आपके बीच आज श्री शिव महापुराण कथा के प्रारंभ दिन आज की कथा यही सब नारद जी ने अपना संदेश सुनाया अपने पिता ब्रह्मा जी का। यज्ञ हो रहा, पधारे, आइए यज्ञ में पधारे। और यह भगवान शिव की कृपा से पूरा हुआ। कहते हैं शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का जहाँ बाबा गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है, पंच महाराज जी की कृपा है, वही आनंद, वही मंगल। Thank you.
महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भवन के लोकार्पण के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में महाकाल मंदिर उज्जैन के वरिष्ठ पुजारी रमन त्रिवेदी भी मौजूद रहे। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लोकार्पण किया। तत्पश्चात मंच पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, कार नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं इंटर कॉलेज के पुरातन छात्र के रूप में विद्यालय प्रशासन द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रबंधक मनकेश्वरनाथ पांडे, सिद्धार्थ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार श्रीवास्तव, पूर्वी नारायण पांडे, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉ. दिनेश मणि त्रिपाठी, प्रधानाचार्य रविन्द्र त्रिपाठी, जफर अहमद खान, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पुरातन छात्र व विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। महागौरी ध्यानं पूजनं कुरु कर्ममहं करिष्ये। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सत्रं मोदकं प्रियं अभिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मातृ नयनां देवी वरदां संकल्प्याम् लम्बोदरस्य विश्वविनाशो विनायक भूर्भुवस्व स्वभाव देवी नमः। स्वभाव देवी हरे ओम सहस्त्र शेरेखा पुरुख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिगुम सर्वतः स्पृत्वाद्यस् दशांगुलम पुरुख एवेदगुम सर्वम जच भूचम जच भाव्यम उतामृतस्य यस्यानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो जायांस पुरुख वादोऽस्य विश्वभूतानि तस्यामृतं दिवे अक्षतापां तिष्ठां च पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि अस्थापयामि पूजयामि। ओम वनस्पति रसोद भूतो गंडाढ्य गंडोत्तमाय आग्रह सर्व देवानां। ओम सर्वकं कले आप लोग भी चले जाइए। आप लोग भी जाइए। सुरेंद्र जी यही नेक मांगा था। नहीं मांगा भाई। आप नहीं पंडित जी मांग रहे हैं। विद्यालय के प्रबंधक पांडे जी उन्हें सेफ हाउस तक लेके जा रहे हैं। और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष स्वागत अभिनंदन है श्रीमती पूर्वी नारायण पांडे जी प्रबंधक। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय हमारे विद्यालय के प्रबंधक और सोसाइटी के सचिव माननीय मंकेश्वरनाथ पांडे जी से कृपया माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्रीवास्तव जी हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा माननीय का स्वागत गांधी पी जी कॉलेज के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा अतिथि महोदय का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री
सभी लोग। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया। मैं यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ और आज जिस विद्यालय में मैंने अपनी शिक्षा अर्जित किया था माध्यमिक, आज उस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के साथ मैं यहाँ हूँ और यहाँ विज्ञान के प्रयोगशाला का आज मैंने लोकार्पण किया है। इसके पहले भी विज्ञान के प्रयोगशाला का लोकार्पण मैं कर चुका हूँ, ये दूसरी बार मैं कर रहा हूँ। देखिए, उस विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगता है जहाँ उसने शिक्षा अर्जित किया हो और आने का मौका मिलता है, और इस परिस्थिति में तो मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज से वर्षों पहले जब मैं यहाँ प्रवेश लिया था 55 साल और आज 50 साल के ऊपर हो गए, तो यहाँ आकर करके मैं एक सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, ये अपने आप में एक गौरवशाली परंपरा लिए हुए है। यह और आगे बढ़े एक विद्यार्थी के नाते मैं इसके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। श्री गोरखनाथ मंदिर में प्राचीन काल से धर्म, संस्कृति, अध्यात्म की शीतल बयार सतत प्रवाह मान रखती है, पर मई माह की गर्मी में गोरखपुर वासियों को आध्यात्मिक फुहार का विशेष आनंद महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के माध्यम से मिलेगा। मंदिर परिसर में बने 9 देव मंदिरों के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में सोमवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करने के बाद व्यासपीठ का पूजन और अखंड ज्योति के साथ गोरखनाथ मंदिर के गर्भ दिग्विजयनाथ स्मृति भवन कथा स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से देवी पाटन के महंत योगी मिथिलेशनाथ, कथावाचक संत बालक दास, महंत नारायण दास, मठ पुरोहित रामानुज त्रिपाठी, वैदिक व यजमान आदि उपस्थित रहे। सरकार द्वारा पूरे भारत में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से मोबाइल खो जाने या चोरी हो जाने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने के बाद EMI को अवरुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। यह पोर्टल डिवाइस ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग उपलब्ध कराता है। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग रिक्वेस्ट स्टेटस भी चेक किया जा सकता है, सहित अन्य सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को इस ऐप के माध्यम से मिल सकेंगी। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। गोरखपुर में आज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIR पोर्टल के बारे में सभी मीडिया बंधुओं को जानकारी दी गई। CIR पोर्टल एक इम्पोर्टेंट सरकार की मुहिम है जिसके माध्यम से जितने भी IMEI नंबर्स हैं
उनको सबको एक जगह रजिस्टर किया गया है। रजिस्टर करने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसका अगर मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो वह ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करा सकता है। उसके बाद में पुलिस को उसका इंटीमेशन होगा और जितना समय पहले किसी मोबाइल को या फिर मोबाइल खोने के बाद में व्यक्ति को डर रहता था कि उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, वो मिसयूज़ ना होकर वो मोबाइल डिवाइस वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको पुलिस को तुरंत रिकवरी भी हो पाएगी और उसका मिसयूज़ भी किसी आतंकवादी की गतिविधियां या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों में उस मोबाइल का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं हो पाएगा। और पुलिस को एक एज ए ब्लॉक लिस्ट के नाते जितने भी फ़ोन ब्लॉक्ड हैं उसके बारे में डिटेल मिलती रहेगी और उसको समय रहते उसको पकड़ने में कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि एक सेंट्रल डेटाबेस बनने के बाद में जो ICDR है, इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, जो स्कीम सरकार की मुहिम थी कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही फ़ोन चले जो सरकार के पास यहाँ आयात होने के बाद में रजिस्टर किए गए हैं, तो इस मुहिम के बाद में जितने भी फ़ोन जिनका IMEI सरकार के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है वो सब भी ब्लॉक हो जाएंगे और तमाम अवैध गतिविधियों में लिप्त जितने भी फ़ोन हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो फिर उनको नहीं चलने देंगे। और स्टोलन डिवाइस रिपोर्टिंग सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही सुलभ सिस्टम है। एक ही पेज के अंदर आप अपना मोबाइल जहाँ भी खोया है वो पूरा पोर्टल है, उसके ऊपर पूरी जानकारी है, इस पोर्टल के बारे में आज बताया गया है। और इसमें अनब्लॉक करने की भी सुविधा है, जब आपको फ़ोन मिल जाता है तो आप अपना कारण बता के उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है, इसके माध्यम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ मोबाइल चोरी करने वालों के लिए भी एक डिसइंसेंटिव है कि मोबाइल चोरी करने के बाद वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इससे मोबाइल चोरी की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी। नगर निकाय चुनाव के 13 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर निगम के मेयर व पार्षद पद के मतों की गिनती गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर और नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद की गिनती संबंधित तहसीलों में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। नगर निगम के 80 वार्डों के मतों की गणना दो चरणों में कराई जाएगी। एक साथ 40 वार्डों की गणना होगी। इसके लिए 40 जोड़े टेबल लगाए गए हैं। एक टेबल मेयर के और दूसरे पार्षद पद के मतों की गिनती के लिए है। वार्ड संख्या 1 से 20 तक के मतों की गणना बैडमिंटन हॉल में होगी। वार्ड संख्या 21 से 60 तक वाणिज्य भवन तथा वार्ड संख्या 61 से वार्ड संख्या 80 तक के मतों की गणना इंजीनियरिंग विभाग में की जाएगी। इसके लिए लगभग 1500 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी DO राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में आगामी 13 मई को मतगणना होनी है। हम लोगों ने नगर निगम की मतगणना यहीं इंजीनियरिंग संकाय, वाणिज्य संकाय और बैडमिंटन हॉल में होगा। उसकी पूरी प्रक्रिया सभी रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों को मीटिंग करके ब्रीफ कर देंगे। नगर पंचायतों की मतगणना तहसील मुख्यालयों पे होगी। इनका दायित्व संबंधित उप जिलाधिकारी और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर का है, वो वहीं पर उसकी व्यवस्थाएं करेंगे। मेरा अनुरोध है प्रत्याशियों से, वो अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क कर लें और गणना एजेंटों के लिए पास जारी करा लें। गणना मतगणना आगामी 13 मई को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और ये प्रॉपरली सूचित कर दिया जाएगा कि गणना एजेंट और प्रत्याशी कितने बजे सुबह से वहां पर प्रवेश कर सकेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908811। शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का भव आयोजन। कथा व्यास संत हृदय पंडित बालक दास जी महाराज। कथास्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। कथा 8 मई से 13 मई 2023, समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। दिनांक 14 मई 2023, समय प्रातः 9 से 12 बजे तदुपरांत पूर्णाहुति। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आयोजक श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। गोरखपुर को प्रदेश का पहला निपुण जनपद बनाने के लिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पर सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में निपुण आंदोलन के तहत सभी प्राथमिक एवं कंपोजिट परिषदीय स्कूलों में निपुण मेले का आयोजन किया गया है। मेले में अभिभावकों से बच्चों को नियमित तौर पर स्कूल भेजने के लिए आग्रह किया गया है। बच्चों को अकादमिक प्रदर्शन के संबंध में भी अभिभावकों को रूबरू कराया गया। परिजनों के घर पर आसानी से खेलकूद के साथ कराई जाने वाली गतिविधियों के बारे में भी बताया गया, जिससे बच्चों को घर पर ही शैक्षणिक विकास के अवसर मिल सके। एक घंटा, कम से कम एक घंटा आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और एक निपुण एक गूगल से आप लोग को एक हम ऐप डाउनलोड कराएंगे, वो रील अलांग ऐप। जनपद के सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक निपुण मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में भाग लें और इस अभियान में आप अपनी भूमिका जरूर लें। धन्यवाद। अब ये बदल के नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकेंड ये पांच एक हो जा रहा, फिर थर्ड फोर फाइव सेकेंड एक हो जा रहा है। इस हिसाब से ये पैटर्न, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार से आप बच्चों की पढ़ाई में घर पर भी अपना योगदान दे सकते हैं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्वीटन की प्रधानाध्यापिका उम्मे सादिया ने बताया, आज मिशन निपुण मेला लगा हुआ है। हम शिक्षक संकुल है, हमारा विद्यालय शिक्षक संकुल है, इसलिए जुलाई में हमारे बच्चों को 100% बच्चों को निपुण करना है, जिसमें से 50% बच्चे हमारे निपुण हो चुके हैं। निपुण वाले बच्चे कक्षा एक में 22 बच्चे निपुण हुए हैं 40 बच्चों में से, कक्षा दो में 41 बच्चों में से भी 22-23 बच्चे हुए हैं, कक्षा तीन में 56 बच्चे हैं जिसमें से 25 बच्चे ही अभी हुए हैं, अब दो चार बच्चे आज कल में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे 50% बच्चे निपुण हो चुके हैं। अब जुलाई में इनको 100% नहीं तो 80% बच्चों को निपुण कर दिया जाएगा मेहनत करके। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में कघा थाने की पुलिस ने धन परिवर्तन कराने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान सुभाष चंद्र राणा के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, कल दिनांक 7/5/2023 को थाना गगहा को सूचना प्राप्त होती है कि गांव गिरधरपुर में एक व्यक्ति लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पता चला कि सुभाष चंद्र राणा नाम का यह व्यक्ति लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, बीमार लोगों को ऐसो आराम की ज़िंदगी तथा झाड़ भूख और यीशु का पानी पिला करके ठीक करने का प्रलोभन दे करके ऐसा कर रहा है। सादे कपड़े में एक पुलिसकर्मी को भेज करके वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई तो पाया गया कि 60-70 लोग वहाँ गिरधरपुर में जमा है और ये सुभाष चंद्र राणा इसी तरह से उन्हें प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तित
करने का प्रयास कर रहा है। तत्काल इस मामले में थाना गगहा पर आईपीसी की धारा, मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और सुभाष चंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुभाष चंद्र राणा को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेजा जाएगा। आगामी 13 मई को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत जनपद में विश्वविद्यालय परिसर में 3 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पीएससी बल के जवान सहित अन्य पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं स्थल रूमों की सुरक्षा 2 लेयरों में की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, निगम के लिए हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जिनको लेकर अलग अलग तीनों स्ट्रांग रूम पे पीएससी लगाई गई है। साथ ही साथ उनके पर्यवेक्षण के लिए एक उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को 24 आवर लगाया गया है। 2 पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षणाधीन है जो इस समय, उनको इनकी सुरक्षा के मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है और ओवरऑल जो सुरक्षा का प्रभार है वो मेरे पास रखा गया है। तो जो डबल लेयर की सुरक्षा यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही साथ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भवन के लोकार्पण अवसर पर गोरखपुर पहुंचे महाकाल मंदिर उज्जैन के वरिष्ठ पुजारी व राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकाल भक्त मंडल रमन त्रिवेदी ने विद्यालय परिसर में ही पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि महाकाल का एक भी नाम लेने से एक दिन की उम्र बढ़ जाती है। जहाँ पर महाकाल है वहाँ पर पूरी दुनिया सनातनी है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सभी का भरपूर योगदान होना चाहिए। साथ ही सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के कार्यों को सराहते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में उन्होंने यूपी को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। सनातन की रक्षा करने वाला भी प्रधानमंत्री बहुत सक्षम आया है और ऐसे ही मुख्यमंत्री के रूप में आपके यहाँ गोरखपुर के हमारे मतलब बहुत बड़े संत समझ लो, बहुत बड़े कार्यकर्ता समझ लो, बहुत बड़े राज्य के सेवा में तल्लीन समझ लो, राजनीतिक ज्ञान इतना कूट कूट के भरा हुआ है हमारे गोरखपुर के महान तपस्वी में कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं। वो शुभ कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से कर्नाटक भी हम लोग बीजेपी के रूप में जीतेंगे। मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आरएसएस का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र के रहता हूँ और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब की हिंदू की सनातन की धरती देखना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। आज आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का प्यार देख के मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि महाकालेश्वर भगवान मनकेश्वर जी के साथ साथ सब आपका कल्याण करें और मीडिया यश कीर्ति को प्राप्त करे। और यहाँ पंडित शिव हर्ष मिश्रा जी सबसे पहले मुझे लेके आए थे, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, आप भी जानते हैं, कोई उनके नाम से कोई मूर्ति वगैरह लग जाए, महाकालेश्वर की स्थापना हो जाए, ये सब आप लोग कर सकते हैं, इसी मेरी इच्छा है। दिन भर में बस इतना ही, नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी महाशिव पुराण कथा। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला भवन का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया लोकार्पण। मंदिर परिसर में बने 9 देव मंदिरों के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा का हुआ भव्य शुभारंभ। पुलिस अधीक्षक नगर ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी का, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल से उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। डिप्टी डीओ ने दी जानकारी, कहा 2 चरणों में होगी निगम के 80 वार्डों के मतों की गणना। प्राथमिक एवं कंपोजिट परिषदीय स्कूलों में निपुण मेले का किया गया आयोजन। गगहा थाने की पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा 2 लेयर में सीसीटीवी कैमरे व भारी पुलिस बल के साथ की जा रही सुरक्षा।
और गोरखपुर पहुंचे महाकाल मंदिर उज्जैन के वरिष्ठ पुजारी रमन त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की कही बात। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।